अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक टू ईट। आज हम बना रहे हैं चिकन बर्गर। इसके लिए हम सबसे पहले लेटस ले रहे हैं, बन गोभी। इसका बीच का जो हिस्सा है वो सख्त है, वो हम निकाल लेंगे। अब हम इसको जो है वो कद्दूकश कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लीजिए। या हम चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पर अच्छी तरह से चॉप कर लें बारीक। इस तरह से भी हम लेटस को बारीक चॉप कर सकते हैं। इसी तरह से हम बारीक जो है वो प्याज को भी चॉप कर लेंगे। अब हम एक बाउल में 3 से 4 चम्मच मायनीज ले रहे हैं। 1 टीस्पून के बराबर जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो सिरका वो डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी मस्टर्ड सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हम चाहे तो मार्केट से मस्टर्ड सॉस ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो हम आराम से आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो डिफ्रॉस्ट हो चुका है। अब जो है हम इसके अंदर हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे ताकि इसमें मैरिनेशन जो है हल्के हल्के लगाइएगा, और ताकि इसमें हमारी मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए, इसमें फ्लेवर्स चले जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। हल्दी 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून ले लीजिए आप। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। जीरा लेंगे हम क्रश। इसको हम बेलन से क्रश कर रहे हैं इसके, ताकि एसेंस जो है फ्लेवर इसका काफी अच्छा आएगा। हम पाउडर नहीं ले रहे हैं। इसमें जो दालचीनी पाउडर है वो 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैन लिया है एक, इसको हमने लो फ्लेम पे रखा है। इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। हम चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट किए थे उसको हम मैदे में डिप कर रहे हैं। अच्छी तरह से मैदा कोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक बाउल में ठंडा बर्फ़ वाला पानी लेंगे। आपके पास मैदा ना हो, कॉर्नफ्लावर हो, तो हम कॉर्नफ्लावर में भी डिप कर सकते हैं। इसके बाद हम ठंडे पानी में इसको डिप करके फिर दोबारा से कॉर्नफ्लावर या मैदा उसका कोट करेंगे, और फिर हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे।
काइंडली हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस और न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। इस तरह हम अपने तमाम पीस हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम पीसेस को डिश आउट कर लेंगे। अब हम एक तवा लेंगे, उसको हम गरम करेंगे, एक बन लेंगे। बन के ये टू पार्ट्स होते हैं, एक ये क्राउन पार्ट है जो ऊपर जिसमें सेसमी सीड्स लगे हुए हैं, और एक इसका बॉटम वाला पार्ट है हील पार्ट। हम इन दोनों को गरम करेंगे। हल्का सा हम इनको गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होगा, लाइट सा गरम करने, फिर आप इनको उतार लीजिए। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। जो क्राउन पार्ट है हम ड्रेसिंग इसके ऊपर करेंगे। नॉर्मली लोग जो है वो हील पार्ट पर ड्रेसिंग कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। हम जो क्राउन पार्ट है उसके ऊपर सारी ड्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल रहे हैं मस्टर्ड सॉस। हमने जो मस्टर्ड सॉस में या मस्टर्ड पेस्ट तैयार किया है वो हम 1 टेबलस्पून इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी केचप डालेंगे। मेरे पास गार्लिक केचप है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम अपनी ड्रेसिंग, लेटस, टोमेटोज एंड अनियन जो हमने चॉप किए थे फाइन, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इस पे अपनी मायनीज ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें अपना जो फ्राइड चिकन का पीस है वो डाल देंगे। हमने इसके ऊपर चिकन का पीस रख दिया है। अब जो इसका हील पार्ट है टॉप पे हम इसको रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको तवे पर, हमारा अभी लो फ्लेम चल रहा है, हम इसको तवे पर वापस रखेंगे चंद सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, क्योंकि लेटस वगैरह चीज़ें ठंडी होती हैं। तवे पे रखने से ये हीट अप हो जाएगा और खाने में काफ़ी जूसी मालूम होगा। बस तो चंद सेकंड्स रखिएगा, हार्डली 30 सेकंड्स, तो ये आपका बर्गर रेडी हो जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।